हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये वीडियो है थोड़े दिन पहले का। मैंने ये ड्रिंक बनाई थी मिंट से, काफ़ी सारा पुदीना आ गया था और बच्चे चटनी तो खाते नहीं हैं तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, लेकिन ये लोग पुदीना बहुत शौक से खाती हैं और बहुत ज़्यादा खा लेती हैं, तो मैंने सोचा कि इनके लिए ड्रिंक बनाई जाए। तो मैंने बस पुदीना को अच्छे से वॉश करके मिक्सी में पीस लिया था। लेमन या आप मौसम्बी भी ले सकते हैं। मैंने एक बार मौसम्बी के साथ भी बनाई हुई है ड्रिंक, इस बार मैंने नींबू के साथ बनाई थी। तो इसमें बस नींबू, शुगर और काला नमक डालना है और चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। और मिंट लीव्स के साथ मैंने इसे अच्छे से पीस लिया था और फिर इसे छान लिया था और इसमें बस ठंडा पानी मिलाकर आइस क्यूब्स डाल दिए थे। तो ये बहुत ही मज़े की ड्रिंक बन गई थी। बड़ी बेटी को बहुत पसंद आई, वो बहुत शौक से पीती है, लेकिन छोटी वाली ने एक बार टेस्ट करके छोड़ दिया। वो बहुत ही ज़्यादा चूजी है, उसे कुछ भी खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने वो चिकन स्टिक्स मंगाई हुई थी, यहाँ हमारी सोसाइटी में एक लेडी हैं वो बनाती हैं, तो वो ये शौक से खा रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वो वीडियो बना लिया था उस वक्त। और ये देखिए ये लोग कैसे मस्त होके अपने प्ले रूम में खेल रही हैं। काफ़ी इन लोगों ने अपना प्ले रूम ख़राब कर रखा था, पूरी फ्लोर पे इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉयज़ बिखेरे हुए थे। तो मैंने ये सब सही किया था। इनकी ये अलमिरा थी एक, इसके इसमें डोर्स थे एक्चुअली, मैंने वो हटवा दिया ताकि ये आराम से अपने टॉयज़ रख सकें, वरना टॉयज़ बाहर पड़े रहते थे और ये खाली पड़ी रहती थी। तो अब भी इसमें मैंने डॉल हाउस इनका अरेंज कर दिया है और डॉल्स का सारा सामान रख दिया है, तो ये फिर इसमें से निकाल के खेल लेती हैं, फिर वापस भी रख देती हैं। मैंने देखा है जब क्लीन करके अरेंज करो तो थोड़े दिन इन्हें शौक़ होता है वापस रखने का, फिर ये भूल जाती हैं और फिर सारा सब कचरा ऐसे ही हो जाता है, सारे टॉयज़ इधर उधर होते हैं, कोई जगह पर नहीं होता। तो मैं एक मंथ में तकरीबन ये क्लीन कर देती हूँ इनका रूम अच्छे से। वैसे भी क्लीन करना होता है, सब चीज़ें हटा के मैं करती हूँ वैक्यूम क्लीनर से, ताकि स्पाइडर्स और वेब्स जो भी हो जाते हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएं, वरना ये लोग फिर चिल्लाती हैं अगर इन्हें कहीं स्पाइडर दिख जाता है। तो इनका रूम स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा क्लीन रखती हूँ क्योंकि इतने सारे टॉयज़ भरे हुए हैं तो उसे हर रोज़ साफ़ करना तो मुश्किल है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जर्मनी गए थे ऑफिशियल ट्रिप पे, तो ये चीज़ें लेके आए हैं इनके लिए, डॉल्स हैं और इन्होंने एक अपना लेगो सेट मंगाया था और काफ़ी सारी चॉकलेट्स लाए हैं। तो ये लोग तो काफ़ी एक्साइटेड हैं इनके, जबकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो सब भूल के अपनी पढ़ाई वढ़ाई, इन्होंने पूरे दिन यही इंजॉय किया कि क्या क्या आया है वो सब। और बड़ी बेटी ने फौरन ही लेगो सेट अपना देख देख के पिक्चर्स में बना भी लिया था। आगे मैं दिखाऊंगी जो इसने फिर फाइनली बना के तैयार किया है। जब ये खाली हो जाएगा मैं इसे फिर दूंगा। ओह, नीचे लिखा है। और बच्चों के सामान के अलावा और भी सामान था, ब्लूबेरी जैम और हनी थे काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के। ये देखिए ब्लूबेरी जैम है, बहुत ही यमी है और इसमें पूरे पूरे ब्लूबेरीज पड़े हुए हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और कई टाइप्स के ये हनी हैं, हम लोगों को नाम से समझ में तो नहीं आ रहा लेकिन इनके फ्लेवर्स काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट हैं। यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी स्वीटेंड हनी मिलता है लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है, इन सब में अलग अलग फ्लेवर है और इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं है और अलग सी स्मेल भी आ रही है, तो अब पता चल रहा है कि एक्चुअल हनी होता क्या है। और मुझे भी नहीं पता था कि डिफरेंट फ्लेवर्स में भी होता है हनी। और कुछ कैंड फिश भी हैं जो रेडी टू ईट होती हैं और काफ़ी मज़ेदार भी होती हैं, इनका आप सैंडविच भी बना सकते हैं, सैलड्स में भी खा सकते हैं। और ये लॉलीपॉप्स इतनी बड़ी थी कि मेरे मुंह में भी नहीं आ रही थी और ये बहुत हार्ड है और टेस्ट में भी इन लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो ये बेकार ही गई है। और बच्चों के लिए इतनी बड़ी लॉलीपॉप तो डेंजरस भी है, चोकिंग हज़ार्ड है। और ये देखिए ये फिग्स थी, ये पूरी होल फिग्स हैं, ये काफ़ी डिफरेंट और फ्रेश लग रही हैं और सॉफ्ट भी हैं। मैंने इन्हें फ्रिज में रख रखा हुआ है लेकिन तब भी ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं। मैं तो कह रही थी कि इतनी सारी चॉकलेट टॉफीज़ लाने के बजाय बाकी लोगों के लिए भी ऐसी चीज़ें ले आते, क्योंकि कैंडीज़ और चॉकलेट्स तो यहाँ भी मिलती हैं और अब सीरियसली सब लोग इतने अवेयर हो गए हैं तो ये सब खाना इतना पसंद भी नहीं करते। तो अगर दूसरी जगह हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ की जो स्पेशल चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ नहीं मिलती हैं वो लेके आएं और वो गिफ्ट दें तो ज़्यादा अच्छा लगता है।
और ये एक क्यूट सा वुडन बॉक्स है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसका लॉक सिस्टम भी थोड़ा अलग सा है। और ये देखिए क्रैनबेरीज, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। ये थोड़ी खट्टी सी है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ये वैसे तो यहाँ भी ड्राइड क्रैनबेरीज मिलती हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही ड्राइड होती हैं। इनमें एक फ्रेशनेस सी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हस्बैंड को एक्चुअली वहाँ पर ऑफिस भी अटेंड करना होता था, फिर शाम को ही निकलते थे शॉपिंग करने और थोड़ा घूमने। तो और मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा आदत भी नहीं है शॉपिंग करने की। बच्चों ने तो कह कह के अपने टॉयज़ मंगवा लिए, वो वीडियो कॉल करते थे वहाँ से, और इन लोगों ने देख देख के चूज़ कर लिए थे अपने। और नेक्स्ट डे मैंने एग करी बनाई थी। इसमें बस मैंने बॉइल्ड एग्स पे मसाला लगा दिया था, हल्दी मिर्च, और अच्छे से उन्हें कोट कर दिया था, और फिर ऑयल में थोड़ी देर फ्राई करना है। बस चारों तरफ से ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। ये बहुत ही सिंपल सी एग करी है। जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता बनाने का तो मैं ये बना लेती हूँ। ये निकालने के बाद मैंने फिर ऑयल में कुछ खड़े मसाले डाल दिए थे, तेज़पत्ता, दालचीनी, काली गोल मिर्च, लौंग, और फिर प्याज को फ्राई कर लेंगे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। फिर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐसे बना के रखती हूँ आइस ट्रेज में। ये मैंने ट्रेज इसीलिए ले रखी हैं, वैसे तो क्यूब्स निकाल के भी फिर आप जमा के इसे फिर जिप लॉक बैग्स में रख सकते हैं करके, लेकिन मुझे फिर इनकी ज़रूरत नहीं होती है तो मैं अक्सर इसी में छोड़ देती हूँ, और फिर जब यूज़ करना होता है तो इसमें से निकाल लेती हूँ। और एक साइड मैंने हरी चटनी भी पीस के रखी हुई है फ्रोज़न। इसमें बहुत आसानी होती है जब मुझे चटनी खानी होती है किसी के चीज़ के साथ, तो मैं इसे निकाल के रख लेती हूँ बस थोड़ी देर कटोरी में, और फिर यूज़ कर सकती हूँ आराम से। अक्सर ऐसा होता है कि मैं चटनी बना के रख लेती हूँ और फिर मैं भूलती रहती हूँ, और 3-4 दिन वो फ्रिज में रखी रहती है और फिर मुझे इवेंचुअली फेंकनी पड़ती है। इसलिए मैंने अब ये तरीका सोचा है कि मैं फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ इसे, जब भी ज़रूरत होती है तो मुझे मिल जाती है। और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भूनने के बाद मैंने ये टमाटर ऐड कर दिए थे, और अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से पकने दूंगी। जैसे टमाटर सॉफ्ट होंगे वैसे मसाले भी भुन जाएंगे अच्छे से। इस वक्त शाम का टाइम हो रहा है, अराउंड 6 बज रहे हैं। मैं जल्दी ही रात का खाना बना लेती हूँ, अक्सर तो मैं सुबह को ही बना लेती हूँ जब बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं, क्योंकि बच्चों के आने के बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। दोपहर से बस बहुत बिजी हो जाता है, उन्हें खाना देना, फिर पढ़ाना, फिर बाहर ले जाना नीचे शाम को। और ये मेरा सामान आया हुआ था, अंडे की क्रेट रखी हुई, और मैंने प्याज मंगवाई थी तो उसके छिलके इतने ज़्यादा टूटे हैं कि अब मुझे वहाँ पर साफ़ करना पड़ेगा। ये टमाटर सॉफ्ट हो गए थे और मसाला भी भुन गया है। मैं नमक डालना भूल गई थी, इसे पहले ही मुझे डालना था तो अब मैं डाल रही हूँ। और बस अब थोड़ा सा और भून के मैं इसमें अंडे ऐड कर दूंगी, और आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं वो भी छील के ऐड कर दूंगी। और ये बड़ी बेटी कराटे क्लास जा रही है तो वो कुछ कहने आई थी, मैंने इसे 2 क्लासेस में डाल रखा है, पूरे वीक के बिज़ी रहती है। शाम को अक्सर ही होता था कोई फ्रेंड नहीं मिल रही कभी, तो ये लोग बोर होती थी तो मैंने कहा बिज़ी रहेगी तो एक्सरसाइज भी होती रहेगी और रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहेगी इसको करने को, बोर नहीं होगी शाम को। वैसे तो ये दोनों आपस में काफ़ी खेलती रहती हैं, लेकिन फिर पूरा दिन खेल के थक भी जाती हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है। और आजकल बच्चों का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको स्क्रीन टाइम की वरना आदत पड़ जाती है बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैंने इनका टाइम फिक्स कर रखा है, उसके अलावा ये लोग नहीं देखती हैं। और बड़ी बेटी कुछ हाइपर एक्टिव सी है, तो उसे अगर इन सब चीज़ों में ना लगाओ तो फिर वो बहुत परेशान करती है। और छोटी वाली को बिल्कुल भी शौक़ नहीं है ये सब एक्टिविटीज़ करने का, वो घर में ही ज़्यादातर रहना पसंद करती है, और कोई फ्रेंड आ जाती है तो उसके साथ खेल लेती है। उसे ज़्यादा बाहर जाने का भी शौक़ नहीं है। नीचे मैं पूछती भी हूँ कि चलो नीचे चल रहे हैं, अक्सर तो मुझे उसे ज़बरदस्ती ले जाना पड़ता है कि नीचे चलो 2-4 लोग मिलेंगे तो माइंड फ्रेश होगा, अच्छा लगेगा। लेकिन वो ज़्यादातर रीडिंग करना ही चाहती है, कभी अपनी स्टोरीज लिखती रहती है, कभी ड्राइंग कलरिंग करती रहती है, और अक्सर मुझसे कहती है कि आप भी मेरे साथ कलरिंग करिए। आज तो इसकी फ्रेंड आई हुई थी तो वो उनके साथ बिज़ी थी ना, फिर मेरे आगे पीछे घूमती है, बड़ी वाली क्लास चली जाती है। तो और इसका ये पहला दांत टूटा है,
मुझे बड़ी बेटी के दांत टूटने पे इतना ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ था, लेकिन इसके ये मेरी छोटी बेटी है और मुझे पता है कि अब मैं इसके बाद कोई और बेबी नहीं करूँगी, बस तो मुझे लगता है कि ये जल्दी बड़ी ना हो, लेकिन बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। और बस ऐसे मोमेंट्स का ये लगता है कि इन्हें कैद कर लो। और मैं बड़ी बेटी का इतना सब नहीं कर पाई, उस इतना नोटिस नहीं कर पाई, क्योंकि ये थी उससे 3 साल छोटी, तो मैं इसमें लगी रहती थी। तो हम लोग काफ़ी अटेंशन पे करते थे कि उसे कभी फील ना हो कि हम लोग छोटी वाली को ज़्यादा केयर कर रहे हैं, उसकी नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं बड़े वालों को ये रहता है कि आप हमें नहीं प्यार करते। अब भी मैं उसे बहुत ज़्यादा करती हूँ, एक्स्ट्रा करती हूँ, लेकिन तब भी कभी कभी दोनों में आपस में जेलेसी हो जाती है। इसे करूँ तो वो जेलेस हो जाती है, उसे करूँ तो ये जेलेस हो जाती है। ये देखिए, ये था लेगो सेट जो बड़ी बेटी ने लिया है। इतने छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसमें, मुझे तो देख के लग रहा था कि नहीं कर पाएगी, लेकिन उसने खुद ही सब अपना जोड़ लिया और अब ये लोग काफ़ी खेलती हैं इसके साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको क्या पसंद आया, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।